नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को महासागर के बारे में बताऊंगा कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं और उनकी स्थिति क्या है, उनका कुल क्षेत्रफल क्या है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महासागर क्या है। महासागर जलमंडल का प्रमुख भाग है। यह खारे पानी का विशाल क्षेत्र है। यह पृथ्वी का 71% भाग अपने आप से ढके रहता है। आइए आप सबसे पहले जानते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को अलग करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 6,36,34,000 वर्ग मील अर्थात अटलांटिक महासागर के दुगने से भी अधिक है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई 14,000 फुट है तथा अधिकतम गहराई लगभग 35,000 फुट है। उसके बाद है हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। विश्व में केवल यही एक महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी हिंदुस्तान भारत के नाम है। इसका क्षेत्रफल 7,35,56,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर उस विशाल जलराशि का नाम है जो यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों को नई दुनिया के महाद्वीपों से अलग करती है। क्षेत्रफल और विस्तार में दुनिया का दूसरे नंबर का महासागर है। इसका क्षेत्रफल इसके अंतर्गत समुद्रों सहित 4,10,81,049 वर्ग मील है। उसके बाद है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित उत्तरी ध्रुवीय महासागर या आर्कटिक महासागर, जिसका विस्तार अधिकतर आर्कटिक उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में है। विश्व के 5 महासागरों में से यह सबसे छोटा और उथला महासागर है। और अंतिम है दक्षिण ध्रुवीय महासागर, जिसे दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। विश्व के सबसे दक्षिण में स्थित यह एक महासागर है। यह 5 विशाल महासागरों में से चौथा सबसे बड़ा महासागर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हाई एंड हाई एजुकेशन को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको समय समय पर अच्छी अच्छी जानकारी। धन्यवाद दोस्तों।